विंध संग्राम परिषद मनाएगा काला दिवस। विंध संग्राम परिषद एवं विंध यूथ ब्रिगेड की आवश्यक बैठक की गई। समान तिराहा में परिषद के प्रदेश प्रमुख मुनींद्र तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी 1 नवंबर को मनाए जाने हेतु तैयारी पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। ज्ञात हो गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विंध विलय दिवस की याद में विंध संग्राम परिषद द्वारा समूचे विंध क्षेत्र में काला दिवस के रूप में मनाते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसकी तैयारी के लिए आज की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में परिषद के प्रदेश महासचिव सिद्धनाथ पांडे, परिषद के जिला एवं शहर कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा दादू, विंध यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष आशीष द्विवेदी एवं जिला सचिव शिवम विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष अभिषेक सोंधिया, परिषद के प्रदेश कमेटी सदस्य भारत चौधरी इंडिया, विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन के जिला अध्यक्ष महेंद्र पांडे, विंध्य किसान यूनियन के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश तिवारी, यूथ ब्रिगेड के सह सचिव राम जतन कुशवाहा, प्रदीप कोरी, दादा मुरारी सिंह आदि पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जिला एवं शहर कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं से बैठक में समय से पहुँचने की अपील किया है। अभी 4 अप्रैल 1948 में विंध्य प्रदेश राज्य बना था। 1 नवंबर 1956 के दिन विंध्य प्रदेश राज्य को तोड़ दिया गया। अब हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन हमारे विंध्य क्षेत्र के अंदर हमारा ये राज्य टूट जाने के बाद, रीवा राजधानी टूट जाने के बाद, हम आंकड़े के साथ कह सकते हैं कि 1 लाख से ऊपर नौजवान हमारे विंध्य का मौत को गले लगा चुका है, सल्फास खाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर चुका है। लाखों लाख नौजवान, भारत के कोने कोने में पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी से इतना त्रस्त होकर और प्लेट और कप धोने के लिए बाध्य हो रहे हैं। ऐसी हालत में यदि हमारा विंध्य प्रदेश राज्य नहीं टूटा होता और ये राजधानी रीवा नहीं टूटी होती, कितनी फैक्ट्रियाँ, कितने रोजगार सृजन होते, और न केवल हमारे विंध्य का तो एक नौजवान बेरोजगार नहीं होता, हमारे यहाँ का किसान परेशान नहीं होता, हमारी बिजली, हमारा पानी, हमारा कोयला, हमारे लोहे से पूरा मध्य प्रदेश चलता है। और रूपरेखा होगी आंदोलन की, अब काला दिवस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। 1 नवंबर को भारी भरकम भीड़ वहाँ इकट्ठे होने जा रही गंगा वाटिका के अंदर। हम रैली निकालेंगे, हम विरोध मनाएंगे, और विरोध के बाद जरूरत पड़ेगी तो हम आंदोलन, उग्र आंदोलन भी विंध्य प्रदेश के लिए करने के लिए तैयार होंगे। मैं मुनींद्र तिवारी हूँ, विंध्य संग्राम परिषद का प्रदेश प्रमुख हूँ, और हमारे तमाम साथियों ने आज बैठक में तय किया है कि 1 नवंबर को काला दिवस मनाएंगे।